Hi guys, welcome back to another video, and in this video we are going to talk about something very different from all the other videos. And if you chose PCM in your grade 12 as the primary subjects, then you must have seen a lot of college review videos before getting into a college. And I'm talking specifically about engineering courses. And I was in this situation too, and I thought it would be great to combine two subjects of my interest, which is computer science and of course technology. So we are going to review and rank laptops as if they were Indian colleges. I think it would be a pretty fun video to watch, and this video is going to be in Hindi because मैं जब college reviews देखता था और कोई अगर English में बोलता था तो मैं उससे relate नहीं कर पाता था, and जो हिंदी में बोलता था मैं उससे बहुत जल्दी relate कर जाता था. तो I want you guys to relate to my video as much as possible. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. और मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर कॉलेज एंड लैपटॉप दोनों लिखे हैं, और एक कॉलेज के स्लैब के अंदर पांच लैपटॉप हैं विद डिक्रीजिंग प्राइस. तो फर्स्ट वी हैव IITs और बिट्स और हायर NITs और हायर IIITs. ये मैं आपको बताऊँगा कि वैसे तो सब जानते हैं पर मैं फिर भी बताऊँगा कि हायर NITs एंड हायर IIITs कौन से हैं, और लोअर NITs एंड लोअर IIITs भी कौन से हैं. फिर रिप्यूटेड प्राइवेट if you don't get lower NITs or lower IIITs, and then finally we have local, it is private or government, that doesn't matter. और इतने सारे लैपटॉप हैं यार, बिल्कुल कलरफुल हो रखी है स्क्रीन, RGB पूरा, और इतने सारे लैपटॉप हैं. हर के बारे में मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो. और प्राइस का भी स्लैब लिख रखा है मैंने, ये टॉप वाले हैं तो अबव 1.5 lakh ऑफकोर्स. इसके अंदर कहीं कहीं पे एप्पल का भी चीज़ें दिखेंगी आपको, और सेकंड वाला 1 lakh, थर्ड वाला 80K, 60K एंड 30K. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, वी हैव IITs, एंड उसका भी फर्स्ट कैटेगरी है मैकबुक प्रो, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस मैकबुक 16 inch विच हैज़ कोर i9 प्रोसेसर, जो कि किसी भी काम के लिए जो आप करना चाहते हो मोर देन इनफ है. और इसका ट्रैक पैड एंड द टच बार इज़ बेस्ट फॉर वीडियो एडिटिंग, और इवन एक्सपोर्ट भी अगर करते हैं वीडियोस तो 4K में भी विद इन 30 seconds आप जितनी भी लॉन्ग वीडियो बनाओगे, मैक्सिमम 5 मिनट, वो 30-50 seconds के अंदर एक्सपोर्ट हो जाती है. दैट इज़ अ बिग डील. एंड देन वी हैव डेल XPS 9500 जो IITs के सेकेंड कॉलम में है, दिस मॉडल, एंड इट हैज़ i7 टेंथ जनरेशन, बट उसका प्रोसेसर है H. जनरली लैपटॉप वाले क्या करते हैं कि वो U प्रोसेसर दे देते हैं ये सोच के कि किसी को पता नहीं होगा, बट मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि ये जो इंटेल लेटर्स हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, एंड दिस वन इज़ H प्रोसेसर, सो इट इज़ बेटर देन U प्रोसेसर. और ऑफकोर्स इसके अंदर NVIDIA 1650 Ti ग्राफिक्स हैं, पर जनरली अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे हैं तो आई सपोज़ कि आप कंटेंट क्रिएशन के लिए ये लेंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट लैपटॉप फॉर कंटेंट क्रिएशन. एंड इन द थर्ड कॉलम फॉर IITs देर इज़ Asus Strix कार, एंड ऑफकोर्स Asus ROG के बिना IITs के कंपेरिजन बिल्कुल कम्प्लीट ही नहीं होता. सो दिस इज़ द लैपटॉप, एंड इट हैज़ मच बेटर ग्राफिक्स, RTX 3080, वो भी 8GB. बस इसका एक डाउन साइड ये है कि अगर आप इसको क्लासेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी वेबकैम. बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो मस्त है बिकॉज इट हैज़ Ryzen 9. बट जनरली मेरे को ROG वाले जो लैपटॉप होते हैं हायर एंड के, वो इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी रिफ्रेश रेट होती है 165 Hz, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कम्पेटिटिव गेमिंग के अंदर. इवन आप अगर स्क्रोल भी करते हो ना तो उसके अंदर गोस्टिंग नहीं होती, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. तो इसलिए 165 Hz कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इवन 3 ms रिस्पॉन्स टाइम इज़ टू गुड. एंड नेक्स्ट अप वी हैव Razer Blade 15, और Razer भी बहुत हाई एंड सोफिस्टिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स बनाता है. सो Razer Blade हैज़ कोर i7 टेंथ जनरेशन, इट इज़ ऑल्सो H प्रोसेसर विथ 6 cores एंड RTX 3050, पर इसके वीडियो कार्ड की जो मेमोरी है दैट इज़ ओनली 4GB, एंड इसकी फ्रेम रेट अच्छी है बट
ASUS वाले से जस्ट थोड़ी सी कम है, विच इज़ 144 हर्ट्स। पर एक चीज़ जो मेरे को लगती है कि अपग्रेड हो सकती थी, दैट कुड बी ये 11th जनरेशन होता। ओके, सो द फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी इन द IIT's स्लैब इज़ Alienware M15R6। आई नो उसका नाम बहुत अजीब सा है, बट लैपटॉप गजब है। इसके अंदर भी यू गेट NVIDIA RTX 3060 विथ 6GB GDDR6 RAM, और इसकी रिफ्रेश रेट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 165 हर्ट्स। और जो मैं वहाँ पे कंप्लेन कर रहा था रेजर के लिए, वो यहाँ पे इन्होंने फुलफ़िल कर दिया, क्योंकि इट इज़ 11th जनरेशन प्रोसेसर एंड इट इज़ ऑल्सो H। ओके, सो गाइज नेक्स्ट लैब पे आते हैं। IITs या बिट्स के बाद वी हैव हायर 90s और हायर IIITs। वैसे तो यार देखो, सबको पता होता है कि हायर NITs कौन से हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि हायर NITs आर NIT अलाहाबाद, नागपुर, दुर्गापुर, हमीरपुर, MNIT जयपुर, जालंधर एंड जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र एंड सम मोर। बट इफ़ यू गेट रियली लो NITs, तो उससे ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आप हायर IIITs में चले जाओ। सो लेट्स सी वॉट आर हायर IIITs। तो ऑफकोर्स वी हैव IIIT हैदराबाद एंड बेंगलोर, बट ऑल्सो देर इज़ IIIT ग्वालियर, अलाहाबाद, जबलपुर, कांचीपुरम, गुवाहाटी, वडोदरा एंड कोटा। दीज आर सम हायर IIITs। और यार देखो, आपको ही पता है और मुझे भी पता है कि लोअर IIITs और बहुत लोअर NITs लाइक जम्मू एंड कश्मीर, अगरतला टाइप ऑफ NITs में जाने से बढ़िया यू कैन गो टू सम रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज। जस्ट स्मैश द लाइक बटन इफ़ यू अग्री। अब अपन हायर NITs और हायर IIITs का स्लैब देखते हैं यार, एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। और इसी स्लैब के अंदर मेरे पास जो लैपटॉप है वो फोर्थ कैटेगरी वाला, ये वाला लैपटॉप है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सो इस कैटेगरी का फर्स्ट लैपटॉप है MSI GP65 Leopard। और लेट मी टेल यू गाइस कि कीपिंग द कॉलेज अपार्ट, ये जो कैटेगरी है सेकंड वाली लैपटॉप्स की, ये बहुत परफॉर्मेंस एफिशिएंट है और प्राइस एफिशिएंट भी है। MSI Leopard के अंदर कोर i7 10th जनरेशन है, इट इज़ नॉट 11th। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट हैज़ डुअल स्टोरेज, 1 TB HDD एंड 256 GB SSD, एंड द ग्राफिक्स कार्ड इज़ RTX 2060, और उसकी मेमोरी भी 6 GB है इंस्टेड ऑफ 4 GB। सेकेंड कॉलम में जो लैपटॉप है दैट इज़ Acer Predator Helios 300, और इसके अंदर भी वो हाइब्रिड स्टोरेज वाला है, एंड इट हैज़ RTX 3060 विथ 144 हर्ट्स, और पिछले वाले में भी 144 हर्ट्स था, एंड इट ऑल्सो हैज़ i7 10th जनरेशन। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ लैपटॉप इज़ लेनोवो लेजेंड 5। जनरली मैं लेनोवो के लैपटॉप्स कभी भी रिकमेंड नहीं करता, बट लेजेंड वाली जो सीरीज़ है उसके भी कुछ लैपटॉप्स इज़ एक्सट्रीमली गुड। दिस वन हैज़ RTX 3050, ऑफकोर्स 4 GB, पर इसके अंदर प्रोसेसर बहुत अच्छा है, Ryzen 7 5800H, एंड ऑफकोर्स जो रिफ्रेश रेट है वो भी ROG के कंपेरिजन की है। एंड द फोर्थ कॉलम हैज़ द लैपटॉप विच आई यूज़, दिस वन इज़ AC2076AX, इट हैज़ RTX 3050, 4 GB, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर Ryzen 7 है, 5800H इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट बिकॉज आई हैव दिस लैपटॉप तो मैं बता सकता हूँ। और रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छी है, 144 हर्ट्स, बस वो डुअल स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है वो नहीं है। और रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, मैंने करी हुई है रैम अपग्रेड, इंस्टेड ऑफ 16 आई हैव 32, और उससे बहुत बटर स्मूथ हो जाती है परफॉर्मेंस। द लास्ट वन इज़ MSI कटाना GF66, और इसके अंदर ये दिख रहा है यार कि इट हैज़ RTX 3050, बट फुल स्पेसिफिकेशन के अंदर इट हैज़ RTX 3050 144 हर्ट्ज़ स्क्रीन विथ i7 11th जनरेशन, नॉट 10th जनरेशन। विद दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, लोअर NITs और लोअर IIITs।
और इसके फर्स्ट कॉलम में जो लैपटॉप है दैट इज़ GF65, वो वाला 66 था, ये 65 है, बट प्रोसेसर में बहुत डिफरेंस है बिकॉज इट हैज़ i5 10th generation एच प्रोसेसर एंड दैट वन हैड i7 लोअर NID वाले जो कैटेगरी है उसके अंदर ये वाला लैपटॉप काफ़ी सॉलिड लगता है मुझे बिकॉज इट हैज़ 6 GB ऑफ वीडियो रैम. द सेकेंड वन इज़ ASUS टफ F15. देखो सिंपल सी बात है, अपन ASUS ROG की कैटेगरी में से तो फर्स्ट में ही निकल आए थे, तो उसके बाद में ASUS की एक और गेमिंग रेंज है जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है, वो है ASUS टफ गेमिंग एंड इट हैज़ RTX 3050 विद i7 11th generation. बस प्रॉब्लम ये है कि यू स्टिल कैन नॉट अटेंड योर स्कूल क्लासेस हेयर, क्योंकि ये देखो इसके अंदर कैमरा वेबकैम नहीं है. द थर्ड वन इज़ लिनोवो लेजन 5. इट डज नॉट हैव RTX, इट हैज़ GTX 1650 और वो भी 4 GB है इंस्टेड ऑफ 6 GB. द फोर्थ वन इज़ एसर नाइट्रो 5. इसके अंदर 11th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर है यार, जो कि 10th जनरेशन से बहुत बड़ा गैप था. एंड ऑल्सो इट हैज़ 144Hz डिस्प्ले विद RTX 3050. और फिफ्थ कॉलम के अंदर है मेरे वाले लैपटॉप का एक डिग्रेडेड वर्जन, क्योंकि इसके अंदर है Ryzen 5 इंस्टेड ऑफ 7 और ग्राफिक्स कार्ड भी उससे काफ़ी कम है, 1650 है इंस्टेड ऑफ 3050. तो पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछो ना कि इस स्लैब के अंदर कौन सा लैपटॉप मेरे को बेस्ट सूटेड लगा, तो वो मैं कहूँगा एसर नाइट्रो वाला, क्योंकि यार इसके अंदर RTX भी तो है. फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, दैट इज़ रेप्यूटेड प्राइवेट. देखो भैया कहने को तो बिट्स भी प्राइवेट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट VIT टाइप ऑफ प्राइवेट और मे बी मणिपाल मेन कैंपस टाइप ऑफ प्राइवेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. और फर्स्ट कॉलम में है GF75. इट हैज़ कोर i7 10th जनरेशन वन और इसके अंदर भी जो रिफ्रेश रेट है वो है 144Hz और ग्राफिक्स कार्ड 1650 विद 4 GB. और द सेकेंड वन इज़ हमारा प्यारा एप्पल. देखो तुम्हें लग रहा होगा कि एप्पल कहाँ से आ गया, बट ये वाली चॉइस यू विल नॉट रिग्रेट बिकॉज इट इज़ M1 चिप. ये कोर वो छोड़ो, क्योंकि M1 तुम्हारे पास है ही, तो उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है इसकी परफॉर्मेंस पे. बस इसकी सिंपल एक ही प्रॉब्लम है, दैट यू नीड टू गेट अ स्क्रीन एंड कीबोर्ड एंड माउस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव एसर नाइट्रो 5 और जैसे उसके नाम में है नाइट्रो 5 है तो Ryzen 5 ही होगा और वो भी पुरानी जनरेशन का है 4600H. अभी 5800H चल रहा है मैक्सिमम पे और इसके अंदर भी डुअल स्टोरेज है, पता नहीं कैसे पर है, 1 TB प्लस 256 और GTX 1650 इज़ द ग्राफिक्स कार्ड. और ऑफ कोर्स इसकी स्क्रीन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इट इज़ 60Hz. और फोर्थ वाले कॉलम के अंदर वी हैव ASUS टफ F15 i5 है, दैट इज़ 10th जनरेशन, तो इन्होंने यहाँ पे कट करा है और 1650 Ti है और यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ दिया है तुम्हें. और इस लास्ट फिफ्थ कॉलम तक आते आते तो मेरे को तो MI का लैपटॉप मिला विच इज़ सरप्राइजिंगली पॉपुलर. तो देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है. तो भैया MI अपने आप को समझता है ASUS ROG और इसने भी कोई वेबकैम नहीं दिया है, तो जिस हिसाब से लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं दैट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि इसके अंदर NVIDIA MX350 2 GB ग्राफिक्स है और इनको लगा कि कोई जानेगा नहीं कि यू क्या होता है, बट एज़ यू नो इट इज़ अल्ट्रा पावर सेविंग और इसकी परफॉर्मेंस एच से कम होगी. MI तब बेशरम हो गया कि उन्होंने यू प्रोसेसर दे दिया. अब फिफ्थ एंड लास्ट कैटेगरी पे आते हैं, तो इट इज़ लोकल एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज. और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना यार, देखो सिंपल सी बात है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो बेस्ट लैपटॉप मेरे को लगा इस कैटेगरी के अंदर दैट इज़ दिस अविता लैपटॉप, बिकॉज अविता अभी तक इतनी कोई जानी मानी कंपनी नहीं है और इसीलिए वो कम प्राइस के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं. सो इसके फर्स्ट कॉलम में वी हैव लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 3
और इसके अंदर कोर i3 प्रोसेसर है 10th जनरेशन, और ऑफ कोर्स कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है इसके अंदर, बट 256 GB की SSD है। एंड देन इन द सेकेंड कॉलम वी हैव दिस अविता लैपटॉप, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अविता पूरा मॉडल, इट इज़ दिस नेम तो इसलिए मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। इट इज़ 8th जनरेशन i3 प्रोसेसर, इट इज़ ऑल्सो U, बट U से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, और इसके अंदर 4 GB रैम ही है। द थर्ड वन इज़ लिनोवो V14, इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है, बस रैम दी हुई है और 1 TB HDD है। देखो ये जो लास्ट कैटेगरी वाले लैपटॉप है ना, ये इट इज़ नॉट गुड फॉर गेमिंग और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो बहुत इंटेंसिव होता है, बट इट इज़ गुड फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू इन मे बी स्कूल, बिकॉज वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट कराने हैं, फ़ोटोज़ खींच के अपलोड करनी है, सिंक करने अपना। एंड इन द फोर्थ कॉलम वी हैव लिनोवो V15 IGL, ये वाला V14 था, और इसके अंदर तो कोर वाले प्रोसेसर्स भी ना होके सेलेरॉन N4020 है एंड नथिंग स्पेशल। द लास्ट वन इज़ ऑल्सो एन अविता लैपटॉप, अविता एसेंशियल, और इसके अंदर भी कोई कोर आई वाला नहीं है, इट इज़ सेलेरॉन N4000 विथ 4 GB रैम और 128 GB SSD। सो गाइज दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज़ लेट मी नो वॉट लैपटॉप्स आई मिस्ड इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।